और ये हम पहुंच चुके हैं शायद सोन प्रयाग, और यहाँ से हमारी यात्रा होती है पैदल यात्रा शुरू। गाड़ी हमने नीचे पार्क कर दी है, ये है नीचे बड़ी सी पार्किंग। ये जगह है सोन प्रयाग, और यहाँ से हम अभी लेंगे टैक्सी शायद गौरीकुंड के लिए, वहाँ से फिर होगी पैदल यात्रा शुरू। अभी हम पहुंचने वाले हैं गौरीकुंड, और यहां से शुरू होती है हमारी पैदल यात्रा। बहुत सुंदर मनमोहक दृश्य, ये सामने देखिए पहाड़ी कितनी सुंदर है, ये देखिए पूरा जाम, आदमियों को पास होने जगह नहीं, यहां पर देखिए कहां से पास होकर जाना पड़ रहा है, ये देखिए। और नीचे ये दूर सा पानी, गाड़ियों को छोड़ो आदमी के लिए जगह नहीं है। केदारनाथ 16 किलोमीटर पैदल, कहाँ कहाँ मकान बनाए हैं पता नहीं, पत्थर गिरा ऊपर, पत्थर देखो ये गिरा ऊपर से भी, अच्छा लंगूर है ऊपर, वहाँ दिखे लंगूर, ये देख लीजिए ठीक हमारे सिर के ऊपर लंगूर। ये हमारे भाई साहब दिनेश भट्टी जी, मम बोलेगी मम बोले। देखो यात्रा शुरू होती है अभी, और समय कितना भाई साहब? समय 11 बज रहे हैं। नहीं कहा सही बताइए आप, यहाँ पर देखो दूध की नजरी जो दूध बह रहा है, 11:28 हमारी यात्रा शुरू होती है, यहाँ तक हम टैक्सी से आए और आगे अभी देखते कितने बजे तक पहुँचते हैं। लेकिन बहुत सुंदर मौसम आज, एकदम साफ नीला आसमान, यात्रियों की बहुत भीड़, पूरे इस रास्ते में आपको यात्री यात्री मिलने वाले हैं, बहुत भीड़ है लोगों की। और ये हेली सेवा ठीक अपने ऊपर से गिजोरी गुजरती हुई है, यात्रियों की सेवा करें। अगर आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3-4 कंपनी यहाँ पर जो ऑपरेट करती है इसके, देख लीजिए बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ पर हमारा ब्रेक नाश्ते के लिए, कुछ खाए पिए तो चले हम, हमारे मित्र सही सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। और ये पीछे का दृश्य देखें आप, सुंदर से जल आ रहा सामने, उसके ठीक ऊपर ही छोटा सा रेस्टोरेंट। घोड़े के लिए मोल भाव बताओ, घोड़े चढ़ाई शुरू है, थोड़ी सांस फूली जा रही है लेकिन उतनी नहीं। देखो दूध की धार बहती हुई और एक शानदार झरना, शानदार पता नहीं कितनी ऊंचाई इसकी, शायद 200 मीटर, बहुत ही सुंदर। ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो?
किलोमीटर भी नहीं हुआ। मेरे भाई सुबह पर दिल्ली दूर है, बहुत दूर है, देखिए दूर है, सभी जगह करते हैं। अभी 1.5 किलोमीटर है, बहुत सवाल हो गया। अभी हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी। फोन लेके नहीं आया क्या? बुरी तरह सांस फूलती हुई, बुरा हाल। अरे मेरे दोनों मित्र, ये देखिए, जय बोलेगी, ये जय बम बोले, जय बोलेगी। अब कुछ ही समय बाद राम बाड़ा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम। जय बोले, ये देखिए सरदार हो गया। अरसों से डंडी बोलते हैं इसको, बोलते हैं डंडी, डंडी। इस जगह नाम जंगल चट्टी। और यहाँ देखिए सरदारों में भीड़, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। आज पता नहीं क्या इतनी भीड़ होती है। हर जगह यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं, ये देखिए। ये देखिए सामने घोड़ों का रूट, ये देखिए। और वो सामने कटी हुई जगह रामबाड़ा, बाढ़ से पहले यहाँ पर एक अच्छा मार्केट हुआ करता था, वो सारा बह गया। तो अभी वो सामने से रास्ता बचा हुआ है और बहुत सारे लोग आते जाते हुए देखो, ये देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई रामबाड़ा की। हर जगह इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, जगह जगह, ये देखिए। हर ऊपर बर्फ से लगी हुई चोटी केदारनाथ की पहाड़ी नजर आ रही है यहाँ से। बहुत सुंदर झरना, पानी।
एक कठिन चढ़ाई को पार करने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस आप बहुत समय में सो रहे हो आप देखिए हमारे भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही भीड़ भीड़ कम नहीं हो रही पता नहीं ऊपर आ कहीं रहने जगह मिले न मिले ये आज मैं उसी काम देखा देखो चार जितने आदमी इतने घोड़े यहाँ घोड़े बापरे कुछ ये घोड़े कुछ जाने हमको अरे अभी दिखाते हैं आप सामने का सुंदर दृश्य ये देखिए आप केदारनाथ की पहाड़ी बहुत सुंदर दृश्य और ये भक्तों की भीड़ भीड़ ही भीड़ जहाँ देखो आदमी आदमी खत्म ही नहीं हो रहे उतने आने जाओ आने वाले उतने जाने वाले पक्का ये देखिए हमारे पीछे भी उतने हैं और आगे भी उतने हैं और हर तरफ यहाँ झरने जहाँ देखो वहाँ झरने शुद्ध पानी यहाँ पर आपको इसे खाली बोतल चाहिए झरने का शुद्ध पानी भरो और पियो मिनरल वाटर लेकिन यहाँ पर भी लोग कुछ महान लोग 10 रुपये की पानी बोतल लेंगे पता नहीं कब से भरी हुई पाइप है यहाँ घोड़े लेके आएंगे फिर बोले हमको पानी बोतल 200 में दे दी कितना पानी बह रहा है यहाँ असली मिनरल वाटर भोलेनाथ की जय चेहरे का रंग कैसा हो देखो चेहरे का रंग ही बदल गया लगता कोई लाल लाल सा कोई जला हुआ सा पर मजा आ रहा है भाई चढ़े हो रहा भी एक चढ़े और अभी दो और चढ़े तो यार मजाक मत कर अच्छा दूसरे भोले हमारे गायब हो गया एक भोले ने हमारे घोड़े का पूछ पकड़ लिया पता नहीं घोड़े लात मार नीचे ना फेंक दिया नाले में समझ नहीं रहा गया का बंदा बहुत जैसे ढूंढने मिल नहीं रहा है और ये देखिए फिर से चढ़ाई शुरू रामबाड़ा की चढ़ाई पार करते हुए
ये सामने रामबाड़ा की चढ़ाई, हजारों भक्त रास्ते में। आप वो देखिए नीचे से, वहाँ से लाइन लगी हुई लोगों की, यहाँ से यहाँ उतर, यहाँ इधर से, फिर इसमें वो सामने देखिए पूरा, पूरे चारों तरफ आदमी आदमी, पता नहीं कितनी भीड़ है। और यहाँ देखिए सामने, यहाँ से भी है, ये देखिए झरने हर तरफ है, यहाँ सामने भी झरना है, ऊपर भी वहाँ झरना, देखो हर तरफ हजारों लोग। और कितनी चढ़ाई है, लेकिन बहुत बड़ा दृश्य, मज़ा आ रहा है चढ़ने में। और काफ़ी थकने के बाद हम पहुँच चुके अपने आखिरी पड़ाव पे, और ये सामने रहा केदारनाथ सामने। अब यहाँ से ये इधर थोड़ा ढलान, प्लेन प्लेन रास्ता, और लगभग 1 किलोमीटर या 500 मीटर, 1 किलोमीटर का सोचा है। तो बहुत ज़्यादा थकान, बहुत बुरी हालत। हालत ख़राब है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ, और भीड़ देखिए भीड़ गया चारों तरफ, यात्री यात्री, इंसान इंसान। यहाँ भी देखिए, और मैं बैक कैमरे दिखाता हूँ, देखो फ्रंट, ये देखो नीचे, आखिरी पड़ाव, सभी खुशी मनाते हुए, थकान का अंत। वाह, थकान गायब कर दिया आपने, थकान गायब कर दिया। और सामने देखिए बहुत सुंदर दृश्य, ये केदारनाथ की पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई। बहुत ही सुंदर, ऊपर ऊपर देखिए पहाड़ से, ऐसा लग रहा है कोई मंदिर है, देखो बहुत सुंदर। और बुरी तरह थकान के बाद यहाँ अंतिम चढ़ाई को पार करते हुए, ये देखिए लग रहा है, कैसे आए इतना दूर, बहुत गंदा। लोग सब लोग थकान से परेशान, बहुत बुरी तरह थके लोग, जगह जगह आराम करते हैं। और फाइनली ये आखिर चढ़ाई समाप्त, और सामने है मंदिर। ये देखिए सामने से हेलीकॉप्टर, अगर कोई घर में आने में सक्षम नहीं पैदल जाने के लिए, ये देखो हेलीकॉप्टर सेवा, तीन तीन दो आ रहे हैं, जा रहा है, ये देखिए आप। देख लीजिए कोहरा लग चुका है, फिर भी ये अभी शाम के बजे यहाँ,
5:10 हो गया और हम चले थे नीचे से 12 बजे। उसके बाद हमने होल्ड किया, ये देखो एक पीछे आ रहा है। अब देखिए आपके सुनिए कितना सुंदर, अभी हम सुबह सुबह बाबा केदार के धाम में, अरे सुबह सुबह के दर्शन हमने दर्शन कर लिए हैं अभी। और ये देखिए सुबह के दृश्य, ये बर्फ़ के बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ और ये भक्तों की लाइन। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ और बहुत लंबी लाइन है, किलोमीटर लाइन लगी पीछे तक। हम सुबह उठ के यहाँ दर्शन कर लिए भगवान जी के और अब हम जाएंगे भैरव गुफा। ये देखिए पर चारों तरफ भक्तों की भीड़ है, इतनी भीड़ होती नहीं है अमूमन पे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही है। और नीचे गौरी कुंड से लेकर पूरा रास्ता भरा हुआ, पूरा रास्ता, कहीं कोई जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। धूप की पहली किरण पहाड़ी के ऊपर और अब ये पूरा जो पहाड़ है एकदम स्वर्णिम उसमें दिखाई देगा। देखो नीचे नीचे बढ़ती जा रही है और ये पहाड़ है एकदम ऐसा लगेगा जैसे सोने का बन गया है। ये केदारनाथ धाम और ठीक इसके पीछे है।
और जो चीज़ हम आँख से देख पा रहे हैं वो ये कैमरा अलग चीज़ है, और क्योंकि कैमरे की सिर्फ 6 इंच की स्क्रीन है और यहाँ किलोमीटर ही रहे, तो यहाँ अपने दर्शन करने से और इस कैमरे में बड़ा फर्क होता है। लेकिन बहुत सुकून शांति बड़ी प्रसन्नता हो रही है यहाँ के। ये केदारनाथ, और केदारनाथ के पीछे ये भीमशिला, ये शिला जो इतना बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है, ये जब आपदा आई थी 2013 की तो उसमें आया था ये पत्थर। तो ये मंदिर के ठीक पीछे लग गया, देखो। और इसने मंदिर का बचाव किया, पानी को दो भागों में बांट दिया और मंदिर को असर नहीं बचा। और ये इसका चारों तरफ दृश्य, सामने देखो बर्फ के पहाड़, बहुत ही सुंदर दृश्य। और उसके पीछे का एरिया देखो, अभी बहुत ही सुंदर दीदी। ये मंदिर के सामने का दृश्य बहुत ही सुंदर। भैरव मंदिर मार्ग, तो यहाँ से हम चलते हैं भैरव मंदिर मार्ग। और ठीक वो सामने भैरव मंदिर, अभी आप वहाँ ले जाते हैं। भैरव गुफा का मार्ग, और इसके ठीक नीचे से बह रही है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी का देखिए, ये मंदाकिनी का बहुत शुद्ध जल, बहुत ही सुंदर साफ, इन ग्लेशियर से निकलती है और बहुत ठंडा भी है। और ये नीचे बहती है मंदाकिनी, और अब बढ़ते हैं भैरव गुफा की तरफ। सामने है भैरव मंदिर, देखिए बहुत एक चट्टान के ऊपर है भैरव मंदिर। अगर आप केदारनाथ आते हैं तो भैरव मंदिर में जरूर आए, क्योंकि कहा जाता है कि आपकी यात्रा तभी सफल होगी अगर आप केदारनाथ को दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर का दर्शन भी करें। ये बहुत सुंदर जगह देखो आप, बहुत सुंदर, ये देखिए। और ये हम पहुंच चुके हैं भैरव मंदिर, और अरे यहाँ भैरवनाथ जी दर्शन, ये देखिए यहाँ पर भैरवनाथ विराजमान है।
बासों की दाल 8 किलोमीटर ये पहाड़ी के पीछे। हाँ, पग रास्ता जाता है, पग रास्ता। अच्छा अच्छा, ये जो दूध गंगा इसके ऊपर जा रहा है, ऐसी जा रही है ना। हाँ, वही है, वही सीधी ऊपर जाती है। अच्छा, रात जाना बेकार है, अब बर्फ हो गया है रास्ता। अच्छा अच्छा, हमारी बस में तिलक कर ले। कितने किलोमीटर हो गए? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर तो आदमी कितने घंटा चढ़ पाता है जो नॉर्मल आदमी? निकल जाता है यार, आराम आराम से जाएगा ना सुबह। हाँ। तो वापस फिर स्लो चलना वाला भी हो। हाँ जी, 3 बजे तक वापस आ जाते हैं। 3 बजे मतलब सुबह 6 बजे चलना पड़ेगा? हाँ, 6 बजे, 6 बजे निकलना पड़ता है। सूर्य जैसे उदय होते अपने टेकड़ी ऊपर 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 चढ़नी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, 6 किलोमीटर चढ़ाई है। 6 किलोमीटर। अच्छा, टोटल 8 किलोमीटर। अच्छा ठीक है ठीक है, अब समझ नहीं। अब इसके बाद मेरे ख्याल में जून के बाद ही होगा इसके बाद तो। हाँ, जून के बाद। हाँ ठीक है। देखिए नीचे यह है केदारनाथ मंदिर, और इसके इस तरफ एक आपको ऊपर से एक दूध की धार जैसी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं दूध गंगा। और इसके बगल से एक पगडंडी जाती है ऊपर को, और काफ़ी हाइट है। उस पहाड़ी के पीछे वहाँ है बासु की ताल। बासु की ताल है यहाँ से 8 किलोमीटर, लेकिन इस टाइम वहाँ नहीं जा सकते। आजकल यह है, आज है 22 अक्टूबर 2021, बर्फ़ पड़ चुकी है, अब वहाँ रास्ता नहीं जाने का। और यहाँ पर है बहुत ठंड, इस टाइम बहुत ठंड है, बिल्कुल पैर की उंगलियाँ पलटी सुन। अगर आप थोड़ा सा थोड़े से मंदिर में घूमते हैं नंगे पैर तो बिल्कुल सुन हो जा रही हैं, बहुत ठंडी। और इस तरफ देखिए आप मंदिर के ठीक पीछे, ये देखिए बर्फ़ की बहुत सुंदर पहाड़ियाँ, देखो आप पूरी बर्फ़ से ढकी हुई, बहुत ही सुंदर नज़ारा। देखिए यहाँ पर देखिए हेलीकॉप्टर सेवा, ये लगभग सुबह 6 बजे शुरू हो चुकी है, और यात्रियों की देखो भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है आने जाने वालों की। ये देखिए इनको मुश्किल से 1 मिनट लगता है उतारने चढ़ाने में दूसरे को, और देखो ये चल पड़ा वापस, देखो इतने समय। देखो ये दूसरा आया, ये सब इनको पैसेंजर उतार के चढ़ा के तुरंत चल पड़ेगा। देखो ये देखो ये देखिए ये भी चल पड़ा। अरे भैरवनाथ गुफा से वापसी, भैरव मंदिर से, और फिर चले अब केदारनाथ की तरफ, थोड़ा ही यहाँ पर नजदीक सामने। नमस्कार जी, बहुत कुशल मंगल। भैरव मंदिर से वापस आते हुए फिर बाबा केदारनाथ के धाम।
बर्फ जम चुकी है, बर्फ जम चुकी है। कौन है?